अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? तो यार अभी हमें पता चला है कि हमारे जू में कोई आया हुआ है। वो कौन है मैं अभी आपको दिखाता हूँ। वहाँ पर देखें यार, फयाज भाई आए हुए हैं। फयाज भाई, आप ये अच्छा नहीं कर रहे यार। यार इतना छुट्टियाँ कौन करता है भला? यार छुट्टियाँ कौन है, काम कर रहे हैं। हैं? आज जुमेरात है, आपको पता है कहीं छुट्टी नहीं हो सकती, तो लेबर को पैसे देने हैं। आज छुट्टी, आज किस चीज़ की छुट्टी है? आप आज आए नहीं हो, आपने वादा किया था यार रात को। अभी मैं आया हूँ, लड़कों ने बताया है भाई अपना वसीम आया ना इधर पानी भरने के लिए। हाँ। तो उसने कहा है उसको, तो मैंने क्या पता करके क्या मसला है। तो कब आएंगे आप? छत बनानी है, छल्ली भेजने वाला है। ये छलियाँ यार दे दिया हमने अपनी बकरियों को। एक मिनट तुम इनको चीलो, सही है फयाज भाई को। यार वो सामान दिखा के आऊँ जो छत का उतारना है, जो लायन की छत का सामान दूसरे घर में लगा हुआ है ना, वो तो दिखा के आऊँ। एक मिनट ना, साथ चलते हैं, तुम बाद में ये काम करना। असल काम ये है कि लायन का घर बनाना है हमने। ओके सर। और यार आज हमने लायन को नहलाना भी है, क्योंकि जब से आया हमारा लायन नहाया नहीं है, तो आज उसको हम नहलाएंगे और फयाज भी अपने हाथों से नहलाएंगे। मैं नहलाऊंगा। हाँ तो आपको सजा मिल रही है भाई, ठीक है? मैं नहला देता हूं। लेकिन अभी आप मेरे साथ आए, आप वेट कर रहे थे ना, जल्दी से मुझे सामान दें और मैं छत बनाऊं। तो सामान फ्री हो गया है दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूं दूसरे घर में जो लगा हुआ था, तो अब वो फ्री है। तो फयाज भाई आओ जरा उसको उतारो, आज ये सामान तो उतार के जाओ यार। चलो उतरवा देता, ठीक है? आ जाओ यार। वहां पर ना ईंटें उतारी जा रही हैं, जब तक ये उतरती हैं तो हम अभी ना छलियां दे देते हैं। थोड़ी देर तक दिखाऊंगा मैं फयाज भाई को सामान के कौन सा फ्री हो चुका है। सिप्तान इनको ना छील के डालना है, ऐसे नहीं डालना, बस गिरा दिया इनको, छील के डाल लें, देखो खाते हैं या नहीं, नहीं तो हम ऊपर मास्टर किट में लेके जाएंगे ना, वहाँ पर हमारे बजीज हैं, तोते हैं सारे, वो खाएंगे इनको। ये देखो एक डाल के देखो खाते हैं। पकड़ो। वाओ यार, ऐसे डालूं? हाँ देखो खाते हैं नहीं खाते। फिर सितैन ना अभी छली डाल रहे हैं, हमारी डोरा की माँ तो खा रही है लेकिन और कोई नहीं आ रहा। माइलो भी आ रहा है लेकिन सिप्तान ये नहीं खाएंगे, ये ना पैरेट्स को ही दे दो तो ज्यादा बेहतर है। और एक पैरेट और आया हुआ है, जो उसको भी तो लेके आओ ना यार। हाँ, घर में रखा हुआ है, जाओ। चलो मैं लेके आता, उसको भी लेके आओ। और ये छली यहाँ पर गिरा दी तुमने, नहीं, नहीं, ये उठाओ सारी, इनको मास्टर केज में लेके जाओ। तो यार ये हम सारी की सारी छलियां डालेंगे मास्टर केज में, क्योंकि हमारी बकरियां तो यार दिन सारा खाती रहती हैं, इनको जितना भी हम खिलाए ना इनकी भूख खत्म नहीं होती। तो बेहतर ये होगा कि ये छलियां हम मास्टर केज में लेके जाएं और अपने परिंदों को खिलाएं। आओ जी हमारा न्यू गिफ्ट। यार ये देखिए हमारे पास आया एक सन कैनोर पैरेट, और ये बहुत ही यार प्यारा है। और सिप्तान इसको मैं सोच रहा हूँ कि एक बड़े से घर में रखें। बड़े से घर? हाँ, इसमें फिर ग्रे भी रख दें और इसको भी रख दें और इसके दोस्त भी साथ में लेके आए, क्या ख्याल है? हर केज में अलग अलग ब्रीड रखनी चाहिए, जैसे इसके साथ ग्रे के साथ ही ग्रे के साथ, ऐसे एक साथ नहीं रख सकते सब ब्रीड्स को, मसला होता। तो यार ये देखें बहुत ही प्यारा है सिप्तान, जरा तुम पकड़ो, मैंने दिखाना है यार सबको कैसे मुझे दे दिया है। ये देखें यार कितना क्यूट है यार, और इसके कलर्स देखें बहुत ही प्यारे हैं। लेकिन सिप्तान मुझे नहीं पता कि ये बोल पाते हैं ग्रे की तरह या नहीं बोल पाते, तुम्हें पता है थोड़ी सी है इन्फॉर्मेशन? यार आपने हमें बताना है कि ये पैरेट्स टेम होते हैं, बोलते हैं, जैसे ग्रे हमारा हर वक्त शोर करता रहता है, कभी मुर्गियों की आवाजें निकाल रहे होते हैं, कभी किस एनिमल की, कभी किस बर्ड की, भाई कुत्ते की आवाजें निकालते हैं। हाँ हाँ मैंने देखा है सब कुछ। हाँ। लेकिन ये भाई सिर्फ ची ची करता रहता है, मुझे नहीं लगता सिप्तान ये बोलते हो। यार बोलने को छोड़ो, एक पैरेट हाउस तो बना सकते हैं हम। हाँ। डिफरेंट प्यारे प्यारे पैरेट्स हम रखे हैं। सही बात है, सही बात है। चलो यार इसको रख दो ग्रे के साथ, ग्रे को बोलो तुम्हारा दोस्त आ चुका है, आजो 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 ग्रे को दिखाते हैं। और तुम भी तैयार रहो, तुम्हें हमने आज नहलाना है और तुमने साफ सुथरा हो जाना है, ठीक है? यार सिप्तान इसको यहाँ रखो, ग्रे तुम्हारा दोस्त लेकर आ गए हम, ठीक है? आजो, ये देखो तुम्हारा दोस्त। ओए यार ग्रे देख रहा है गौर से, यार ये क्या चीज आ गई है मेरे पास। लेकिन ग्रे भाई नहीं समझ पा रहे कि क्या चीज है। जाहिर है यार उसको क्या पता, नई चीज है उसके लिए। वो देखो यार ग्रे कैसे देख रहा है गौर से। सिप्तान इसको इधर ही, ये काटेगा इसको। यार तुम इधर रख दो इसको। चलो भाई हो गया, यार हमने इस सनकनोर को ना यहाँ पर अभी फिलहाल रख दिया है, हमने इनका घर बनाने बहुत ही प्यारा सा, वो हम जरूर बनाएंगे। तो यार यहाँ से हम अपने नए वाले घर में जा रहे हैं, और ये घर यार तकरीबन 2-3 माह में कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। तो ये हमारा गैराज है और यहाँ से एंट्रेंस है, और यहाँ पर आएंगी सीढ़ियाँ, और ये हमारा टीवी लाउंज है। और हाँ तुमने खुद बोला है कि यार होम टूर दे दो, दिखा दो तुम तो, एक एक चीज बता। यार अभी तक भी छोर है यार, अभी तक ईंटें ही नहीं उतरी यार। यार ये उतर जाए फिर हम फयाज भाई को ना दिखाएंगे सामान। शोर बहुत ज्यादा है, देख रहे हैं कितना शोर आ रहा है। होए होए होए, चलो यार सिप्तान
तुम ऊपर जाओ छलियां दे के आओ बर्ड्स और रैबिट्स को, अभी शोर है यहाँ पे। पका के दे के आओ। नहीं नहीं ऐसे ना छील के दे दो, वो खाते रहेंगे सारे ना, रैबिट्स भी खाएंगे ठीक है। तुराब तुम जो है ना ये उतारो, मैं जब तक ऊपर अभी जाऊँ, ये काम करने हैं अभी थोड़े से, मैं ऊपर जाऊँ चलते हैं फिर, वैसे भी शोर खत्म हो गया है। ये वाले जो है ना गार्डर, अच्छा ये वाले उतारने और ये लायन की छत पर लगेंगे ठीक है। कैसे होगा, पहले सीढ़ी को इधर करो ना भाई, इधर से नहीं होगा, कैसे होगा यार तुम गलत कर रहे हो सिप्तान। ओए और भाई एक एक फीट अंदर है ये। तो यार अभी हम आ गए हैं अपने मास्टर केज में और ये छलियां हम अपने परिंदों को खिलाने वाले हैं, और हमारे खरगोश भी यहाँ पर हैं तो वो भी बहुत शौक से खाएंगे। वो पहले आ गए भाई, उनको खुशबू आ गई है। हाँ जी चलो चलो सारे मिलके चल दो, हैदर आप भी आ जाओ, आपने भी कराने हैं आज। ये इसको छीलना है ना। हाँ हाँ छील के डालने भाई। चलो चलो छीलो यहाँ से। जब तक ये छलियां छीलते हैं ना मैं देख लेता हूँ अंडे बच्चे जो कि कभी हमें नसीब नहीं। ओए भाई क्या हुआ, डर क्यों गए हो, डरते तो नहीं है, हैं तुम्हारा दोस्त हूँ मैं। एक मिनट, इसके अंदर घोंसला बना हुआ है, ऐसा वैसा कुछ हो ना इसके अंदर। नहीं यार सिर्फ घोंसले हैं बट अंडे नहीं है इसके अंदर, इसमें भी नहीं है, नहीं है यार ये भी घोंसला। तो आप घोंसले बड़े बने पड़े हैं लेकिन है खाली, अंडे नहीं दे रहे इसके। अंडे हैं क्या है? नहीं देंगे ये, इधर ट्राई कर रहे हैं अंडे देने। वाह यहाँ पे रैबिट्स आ गए भाई, डरते भी नहीं है, वैसे बहुत डरते हैं लेकिन जब खाने इनको डाल दो ना ये साथ आके बैठ जाते हैं, बस सही है। फिर सारे के सारे हमने ना छलियां डाल दी हैं यहाँ पर, और ये लास्ट बचती है ये भी डाल लेते हैं। इधर आओ ये सारे गई थोड़ी खाएंगे। अच्छा। ये तोड़ तोड़ के ना इसके अंदर डालते हैं, ये हमारी ज़ेब्रा फिंचीज हमारे बजीज वगैरह ये हाँ। खाएंगे इधर बहुत ही मजे से खाएंगे देखना। ये यहाँ पे डाल देता हूँ मैं ठीक है, ये नरम वाला सिट्टा है तो इसके अंदर से ये सुकून से खाते रहेंगे। ओके ये देखना मैं इधर रख रहा हूँ, ये देखना कैसे आएंगे बजीज भाई, ये बहुत टाइम लगाएंगे, छोड़ दो फटाफट अभी देखते हैं खाते नहीं खाते। ये सारी की सारी ना यहाँ पर आकर बैठी हुई है भाई, इनको समझ नहीं आ रही कि कैसे खाना है इसको, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं खा रही हूँ इस तरह, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सीख जाएंगी। ये सारे के सारे ना हमारे इंतजार में खड़े, ये लोग जाएंगे फिर हम खाएंगे, तो हम यार यहाँ से जाना चाहिए ताकि आराम से ये खा सके। भाई तुम लोगों के टाटा बाबे आराम से खा लेना पेट भर के। हमने अपने लाइगर को ना यहाँ पर खोल दिया और देखो यार ये बड़ा होता जा रहा है, दो तीन दिन में ना इसका साइज भी इंक्रीज हुआ है, और अभी हम क्या करेंगे इसको यहाँ पर बांध देंगे और इसको नहाना है हमने, क्योंकि भाई इसके नहलाने का टाइम आ चुका है, 4-5-6 दिन हो गए ठीक है ना, इसने नहाया नहीं है तो आज मौसम भी अच्छा है, मतलब धूप छूप निकली हुई है तो आराम से नहाएगा। पाइप भी तो आप लेके आ गए, चेन भाई बांध देता हूँ मैं। नहीं जाना अब आराम से ऐसे बांध दिया। तो आप इसने ना मेरे पाँव पकड़ लिए हैं कि भाई मुझे नहाना नहीं है भाई, छोड़ दो मुझे। हाँ आज हमारा लाइगर ना बहुत ज्यादा रिलैक्स है, पता नहीं इसको क्या हुआ है, रात को कोई अच्छा ख्वाब देख लिया इसने भाई। तुराब आ जाओ पानी, यार ये फर्स्ट टाइम तुराब नहा रहा होगा ना। नहीं उधर तो नहाते थे। अच्छा हाँ उधर तो नहलाते थे लेकिन आज इधर फर्स्ट टाइम नहा रहा है। चलो देखते हैं भाई क्या रिएक्शन होता है इसका। ओए आराम से बैठा है ये तो अच्छी बात है। तुराब है इधर घास पे ले आओ ना, यहाँ पे मट्टी लग जाएगी इसको नीचे। भाई हमारा लाइगर सुकून से बैठा हुआ है, फर्स्ट टाइम ये नहा रहा है। हाँ अब यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे बैठ जा भाई, ये देखें इधर डालो इसको। हाँ इसको साबुन लगाना तो है, कौन लगाएगा भाई, तुम ही लगाओगे। बस इसके कानों का ख्याल करना, कानों में इसके पानी न जाए ठीक है। यहाँ पर मुर्गियाँ भी तमाशा देख रही हैं, शेर का भी हमें तंग करता था ना, आज इसको बांध के नहला रहे हैं, अब इसको पता चलेगा। शैम्पू ले आओ, वो रखा हुआ है। तुराब आज शरीफ होके ऐसे कैसे बैठा हुआ है, इसको नहाने की आदत होगी इस वजह से भाई, ये तो अच्छी बात है। हाँ अच्छी बात तो है, इसको आगे मुंह पे भी डालो ना साफ हो जाए। हाँ एक मिनट शैम्पू तो लगा लो, शैम्पू मैंने लगाना है। ओए बड़ों वाले काम नहीं करते बच्चे ये ऐसे। ओए भाई बात से इतना शैम्पू लगा रहे हो क्या, खैर है देखिए यार इतना ज्यादा लगा दिया। हमने कभी नहीं सोचा था इस तरह की हम कभी लायन को भी ऐसे नहला रहे होंगे, कभी इमेजिनेशन में भी नहीं था हमारी, और आज देखें हमने इतनी ज्यादा लायन भी रख ली है और इसको नहला भी रहे हैं, इतना फ्रेंडली लायन भी आ गया हमारे पास, और इसको हम बहुत बड़ा भी करेंगे इंशाल्लाह।
तुमने यार लाइन को यहाँ पर खोल दिया, वहाँ पे थोड़ा सा तंग हो रहा था, पानी था ना उधर, पूल बन गया था। ये देखिए यहाँ पर ज्यादा पानी हो गया था। हाँ अब ये आराम से नहा लेगा, यहाँ पर साफ भी हो जाएगा। देखो खुद कैसे लेट गया उल्टा होके भी, हाँ भाई मुझे नहला लो भाई आराम से, बच्चों की तरह जैसे छोटे बच्चे करते हैं ना इंसानों के वैसे। हाँ मजा तो आ रहा होगा, मसाज हो रहा है ना फ्री का। पाइप दोस्तों बहुत बड़ा है, ये जहाँ जाएगा मैं पाइप लेके वहां पहुंच जाऊंगा। तो यार हमने शैम्पू लगा लिया था, अभी जो है ना हम इसके ऊपर पानी डाल रहे हैं ताकि सारा शैम्पू निकल जाए। और हाँ यहाँ पर है यार अभी, तो अब इसको खड़ा कर दो ना, खड़ा कर दो ना, फिर आराम से साफ हो जाएगा। हाँ ये खड़ा हो गया, खड़ा हो गया। एक मारो, मारो इसके पाँव हाँ नीचे से। हाँ यहाँ 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 हाँ अब सही है, अब सही है। अब सर पे भी मारो। हाँ तो दोस्तों हमने अपने लायन को नहला लिया है और अब ये बहुत ही ज्यादा रिलैक्स हो गया है और देखें कैसे कर रहा है, बहुत ही ज्यादा सुकून में आ गया है। सिप्टन देख रहे हो खेलना चाह रहा है, गधे की तरह क्यों कर रहा है, लटड़ियां को मार। सुकून में आ गया भाई, उसको मजा आ गया है। अच्छा? चिल हो गया भाई वो। तो इसको मतलब हर दो तीन दिन बाद इसको नहलाना चाहिए, दो तीन दिन बाद एक हफ्ते में एक दफा नहला लेना चाहिए इसको। अच्छा? हाँ जी अभी देखें दोस्तों इसको हम थोड़ी सी धूप लगवाएंगे और फिर ओए गंदे बच्चे क्या कर रहे हो यार, देखें देखें शिकार करने की कोशिश कर रहा है, इसको बांध दे तो ज्यादा बेहतर है ना दोस्तों, इसको बांध ही देते हैं। मुर्गा बेचारा डर गया यार, देखें लायन के घर में छुप गया, लेकिन लायन की रस्सी मेरे हाथ में है तो ये कुछ नहीं कर पाएगा उसको। अब देखे 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 जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है ऐसे। चलें यार हमने लायन को बांध दिया है, अब यहाँ पर ये इजी फील करेगा, खुद ड्राई हो जाएगा। और मुझे कुछ नहीं करो, ओए तेरी खैर चितैन, ओए मेरी जूता, मेरा जूता, मेरा जूता। हम फ्री हो गए इससे, ये भी मेहनत वाला काम था, लेकिन मैं हैरान हो रहा हूँ कि लायन ने हमारे ऊपर अटैक बिल्कुल नहीं किया, इसको बहुत ही ज़्यादा सुकून मिला है और आराम से लेटा रह के भाई ठीक है मुझे शैम्पू लगाओ साबुन लगाओ बस मुझे साफ सुथरा कर दो तुम लोग। भाई बिल्ली बन गया पूरा का पूरा बिल्ली, यही चाहते हम भी। लायन को नहलाने के बाद देखें यार क्या हालत हो गया जू की, यहाँ सारा का सारा पानी, वहाँ पे भी पानी, इधर भी गंदा हो गया हमारा जू। और बस बतखों के मजे हो जाते हैं, ऐसा अगर बन जाए ना माहौल तो ये बहुत इंजॉय करती है यहाँ पर, अभी यही कर रही है। पानी मिल गया इनको, ये पूल बना लिया इन्होंने पूरे जू को। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो लाइक लाजमी कर दीजिएगा और हमारे चैनल शहर में देहात को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दीजिएगा। बस बहुत जल्द यार हमारे लायन का घर, लायन क्यों बुला रहे हैं यार, हम इसको लाइगर नाम रखा था इसका कल हमने, लाइगर ही बुला रहे हैं। सारी हमने सारे व्लॉग में लायन ही बोला, लाइगर तो बोला नहीं है। अच्छा बोल रहे हैं। चले यार हम बहुत जल्द अपने लाइगर का घर भी बनवा रहे हैं, फियाज भाई अभी देख गए सामान सामान इकट्ठा हो गया है, उसका घर बन जाएगा और दूसरा हमारी स्विमिंग पूल भी बनने जा रही है बहुत जल्द। तो खैर दोस्तों मिलेंगे इंशाल्लाह कल, अभी के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।